दोस्तों आज मैं कुछ ऐसे प्लांट की कटिंग शेयर करूंगी जिनकी आप एक सिंपल सी छोटी कटिंग अगर लगा देते हैं तो आपके गार्डन में वो चार गुनी तेज़ी से बढ़ते हैं और आपके गार्डन को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। बस एक छोटी सी सिंपल कटिंग अपने गार्डन में ऐड करिएगा और गार्डन देखिएगा कितने अच्छे से आपका भरा भरा गार्डन भी लगेगा और देखने में लोगों को आकर्षित भी करेगा। कौन कौन सी कटिंग लगाने वाली हूँ दोस्तों इस वीडियो में आप सभी लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को हमारे लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब इस तरीके की वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। दोस्तों यहाँ पे ज़रूरी बात, कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं जो कि पौधों के लिए हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं पर डीएम का ऑप्शन नहीं आता तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। अगर आप सबको पौधे चाहिए तो अगर जो मेरे पास पौधे हैं मैं आप लोग को ज़रूर दूँगी, बस आपको डिलीवरी चार्ज या फिर आपको शिपिंग चार्ज लेना पड़ेगा। तो वीडियो में चलिए बताते कौन से ऐसे पौधे। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बता दूँ ये लेपर्ड लिली है और एक सिंपल से छोटी बता दो, जब ये कटिंग मैंने लगाई थी वीडियो भी शेयर करी थी, मुझे गिफ्टेड प्लांट बोलूँगी तो ये मतलब दो लीव्स थी, अभी इसमें थर्ड भी आ गई तो कहने का मतलब यही है ना कि ये इंच भी नहीं थी कि मैंने कटिंग लगाई थी, लग भी गई, इसमें एक छोटी सी रूट्स थी उन्हीं से डेवलप हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे है दोस्तों हमारा बनी कैक्टस, तो ये भी कटिंग से ही लगते हैं, इनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, यानी सेमी शेड में चलते हैं। इजी टू ग्रो प्लांट शेड में लगा देंगे ना बहुत ही आसानी से लग जाएगा। जगह देख सकते हैं आप कितनी छोटी सी जगह में ये लगे हुए हैं, ये जो थर्मस सेकर नहीं आता है उसी का ये बोलते हैं ढक्कन है उसी में मैंने लगाया है और बहुत ही अच्छे से ये चल रहा है। तो आप लेपर लिली और कैक्टस बनी को लगा सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर मैंने अब ये निजोए पोथोज है, मनी प्लांट की ही वैरायटी है दोस्तों, बहुत ही अच्छी देख सकते हैं, जहाँ से इनकी लीव है ना वहीं से इनकी जड़ें निकल रही हैं, तो अगर इन वहाँ से हम कट करके सिर्फ जड़ वाला जो एरिया है मिट्टी में रख देंगे तो ये पत्तियों में एक नई ग्रोथ निकलने शुरू हो जाती है। लगाना बहुत ही आसान है इन्हें, मैंने इसकी कटिंग अभी शायद कल वाले वीडियो में शेयर करी, आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से इनकी कटिंग मैंने लगाई हुई है। और कटिंग लगाने के बाद छाया में रख दीजिएगा और ये इंडोर भी नहीं दोस्तों आप रख सकते हो और मतलब छाया में चलने वाले पौधे हैं और ये घर की हवा को भी शुद्ध करते हैं, लकी प्लांट भी माना जाता है। अगर आप चाहें दोस्तों तो इन्हें आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, जब ये हैंगिंग बास्केट में लगे हुए होते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं नीचे पौधों। इनकी कलर वेराइटी भी देख सकते हैं ना, वाइट कलर और ग्रीन है, उनकी पत्तियाँ थोड़ी सी और बड़ी होती, ज़्यादा बड़ी नहीं होती बस मतलब थोड़ा सा मीडियम में रहती हैं, लेकिन अपनी खूबसूरती ये बिखेरती ही रहती हैं। तो आप लोग इन्हें भी कटिंग सी सिंपल सी कटिंग लेके सिंगल लीफ से जो हम बोलते हैं ना सिंगल लीफ से भी ग्रो करेगा तो 100% ये आपकी कटिंग लग जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा जेट प्लांट है और ये जेट प्लांट की एक अदर वेराइटी है और इनकी पत्तियाँ आप देख सकते हैं थोड़ा सा ओवल साइज़ में, मैंने यहाँ कॉफ़ी जो होता नहीं चाय का कप हो ये तो ये फालतू पड़े हुए थे कप तो उसी में मैंने लगा दिया है और ये मैंने एक छोटी सी 1 इंच की कटिंग रही होगी मैंने इसी में काट दिया था, तो मैंने 4-5 कटिंग लगाई थी जिसमें से एक ही सक्सेस हुआ। तो दोस्तों ना कटिंग लगाने का एक वो तरीका होता है, जब भी आप कोई कटिंग लगाते हो ना तो आप हमेशा 2 या 3 लेकर लगाएं ताकि भी एक कटिंग ज़रूर सक्सेस हो। तो वो वाली वेराइटी है एक, ये देखिए हार्ट शेप में हमारा जेट प्लांट है तो ये भी मैंने कप में लगाया हुआ है। वैसे मैं बता दूँ तो मेरे पास जेट की अभी प्रेजेंट टाइम में 3 वेराइटीज़ हो गई हैं जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। पहले मेरे पास ये हार्ट शेप वाली थी और ये भी बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है। अगर किसी को जेट प्लांट दोस्तों चाहिए ना ये वाली वेराइटी हार्ट शेप वाली तो मेरे से कांटेक्ट करेगा, इंस्टाग्राम पे आप डीएम करना या वीडियो पे कमेंट करना, मैं ये वाली वैरायटी सबको दूंगी फ्री में, मैं दे दूंगी, बस आपको डिलीवरी चार्ज देना है। तो ये वाले आप जेट प्लांट मेरे से ले सकते फ्री में। और नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों हमारा फिल्डेन ड्रोन है, ये भी मैंने एक छोटी सी सिंपल सी कटिंग ली थी, अभी अच्छे से ये चल रही, इसकी मतलब 2 वेराइटी मेरे पास, एक येलो गोल्डन बोल सकते हैं, एक लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन है, 2 में है, गोल्डन वाले ग्रीन वाले दोनों भी मेरे पास है कटिंग से, हालांकि मैंने तैयार किया है। देखिए ये एक वाली है, इसकी भी तो मैंने वीडियो फ़िलहाल आप लोग के साथ शेयर करी है, कितने बिग साइज हैं देख रहे होंगे आप लोग, तो ये बड़े पत्तों वाले हैं और ये इंडोर प्लांट है दोस्तों, छाए में चलने वाले पौधे, इंडोर आप घर के अंदर लगा सकते हैं या फिर अगर
आउटडोर रख रहे हैं ना, तो इन्हें ऐसी जगह पर रखिएगा जहाँ पर छाया हो, ताकि प्लांट अच्छे से चल सके। तो इन्हें भी आप कटिंग से सिंपल सी ग्रो कर सकते हो। और नेक्स्ट ये हमारा पेंडानस का प्लांट है, इसकी भी मैंने कटिंग आप लोग के साथ शेयर करी थी दोस्तों, जो कि बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। और इसके भी प्लांट अगर किसी को चाहिए ये वाले तो बताइएगा, मेरे पास इनके प्लांट हैं, मैंने डिवाइड करके रखा हुआ है, ये भी मैंने किसी के लिए तैयार किया हुआ है। तो आप लोगों को अगर पेंडानस की कटिंग चाहिए तो मेरे से ले सकते हैं, ईजी टू ग्रो प्लांट है दोस्तों। नीचे से साइड साइड से नए नए प्लांट्स निकलते रहते हैं, और इनके क्या बोलते हैं जो स्पाइडर प्लांट होते हैं ना, उन्हीं की फैमिली से बिलोंग करते हैं। बट क्या स्पाइडर प्लांट में रनर्स निकलते हैं, इसमें रनर्स नहीं निकलते हैं, और छाया में चलने वाले हैं। अगर धूप लगेगी तो पत्तियां पीली पड़ जाएंगी या फिर प्लांट ही ख़राब हो जाता है। छाया में रखेगा और पार्शियल धूप जो होती है ना उसमें रखेंगे, तो 100% मैं बता रही हूँ आपका पेंडानस आपके गार्डन में खूबसूरती बिखेरेगा। एक सिंपल सी कटिंग होती है, एक बार लगा लेंगे ना तो फिर कभी भी आपको इसकी कमी नहीं होने पाएगी। तो आप पेंडानस को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। और दोस्तों नेक्स्ट हमारा ये सिंगल लीफ से भी ग्रो हो जाते हैं, किस टाइम अगर में लगा दोगे तब भी ये लग जाते हैं, अगर गिर भी गए ना गमले में किसी तब भी ये लग जाते हैं। तो ये हमारा है दोस्तों कलांचू, ये हाइब्रिड वाले कलांचू हैं, पर लगता तो जैसे देसी वाले हैं, रेड वाले और जो सिंदूरी कलर के होते हैं ना वो वाले कलांचू मेरे पास है। अगर किसी को चाहिए दोस्तों तो मेरे को आप लोग डीएम करिएगा, मैं दे दूँगी, मेरे पास ढेरों सारे, क्योंकि अगर कोई नहीं लेगा मैं प्रून करने वाली हूँ फेंका ही जाएगा। अगर किसी को ये प्लांट चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो ये भी दोस्तों सिंपल सी छोटी सी कटिंग है, देखिए मैंने लगाए थे, अभी देखिए इस तरीके से तैयार हो गया है। आप क्लांचों को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों हमारा ये एरेंथेमम है, येलो वाली वेराइटी, येलो ग्रीन वेरिएशन इसमें रहते हैं, और इसमें कि मैं बता दूँ मेरे पास पर्पल कलर वाले भी है, तो उसकी भी मैंने कटिंग लगाई है, भी सिंपल सी छोटी कटिंग से तैयार हो जाते हैं। और एक मतलब तरीका होता है पहचानने का, इसमें इस तरीके से नई लीव्स आने लगे तो समझ जाए कि इनकी कटिंग सक्सेस हो गई है। और ये देखिए मैंने यहाँ पे ना छोटी सी कटिंग सिंगल लीव कटिंग की लगाई थी वेरिएशन वाली, और इसका जो नया प्लांट निकला बेबी प्लांट उसकी कलर देख सकते हैं चेंज है थोड़ा सा, ये बिल्कुल नॉर्मल वैरायटी में निकल के आया है। तो कोई नहीं, बट नया बेबी प्लांट अच्छा लग रहा है। और ये देखिए मैंने जेड प्लांट की एक वैरायटी और लगाई हुई है, ये ओवल आकार की इनकी पत्तियां हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी जब मैं कटिंग की छोटी सी नर्सरी से मर ली थी, बट सक्सेस लग रही क्योंकि पत्तियाँ अगर इस तरीके से ग्रोथ करती हुई उठी हुई नज़र आए तो समझ आए कटिंग सक्सेस हो गई है। तो ये दोस्तों हमारा स्नेक प्लांट है, अगर इसकी भी कटिंग किसी को चाहिए वेरीगेटेड वाली वो भी दे देंगे, ये वाली भी चाहिए तो ये भी दे देंगे, तो आप लोग इनकी भी कटिंग सिंपल से ग्रो कर सकते हो। और नेक्स्ट ये हमारा दोस्तों खूबसूरत सा टेबल बैकबोन, तो ये एक अलग वैरायटी, थोड़ी सी महंगी आती है ये, और ये मैंने एक सिंपल सी छोटी सी इतनी बड़ी कटिंग ली थी, और देख सकते हैं आज कितना घना हो गया है, छोटे से बॉटल्स में मैंने लगाया है। और ये बता दें मैं कि इनको मैंने हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए पौधा लाया था और अभी तैयार हो गया लगाने के, तो फ़िलहाल मैंने लगा भी दिया है और इसकी वीडियो मैंने शेयर भी कर दी है, आप मेरी लास्ट वीडियो जो कल मैंने डाली थी ना उसमें देख सकते हैं। तो ये प्लांट तो फ़िलहाल मैं किसी को नहीं देने वाली हूँ, हालांकि मैंने कटिंग तैयार करी वो मेरे फ्रेंड्स के लिए, उनको मैं दूंगी, और फिलहाल किसी को नहीं दूंगी। जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैं पर्पल हार्ट है तो इसकी भी ना छोटी सी छोटी कटिंग लग जाती है, अगर ये वाली चाहिए ना किसी को तो मैं दे सकती हूँ उन्हें, मेरे से पर्पल हार्ट ले सकते हैं, ढेरों सारे हैं, मैं लगाती रहती हूँ कटिंग इनकी, क्योंकि आप लोग के साथ शेयर करना रहता है ना तो फिर मैं इस तरीके की कटिंग क्रिएट करती रहती हूँ। तो पर्पल हार्ट को भी आप कटिंग से इसलिए छोटी से छोटी कटिंग इनकी लग जाती है, ज़्यादा कुछ करना भी नहीं रहता, वो ज़्यादा इनको ना धूप ना पानी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, देख सकते मिट्टी सूखी हुई है ना, और प्लांट की ग्रोथ देख सकते कितनी अच्छे से अभी भी ये मतलब हरे भरे बने हुए, पूरा प्लांट इस तरीके से पर्पल ही रहता है, इसीलिए इसका नाम पर्पल हार्ट पड़ा है। तो अगर आप सबको इस तरीके के प्लांट लगाने पसंद है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और ये सारे प्लांट आपके घर भी आ सकते हैं कटिंग से। और ये भी देखिए दोस्तों, ये है हमारा खूबसूरत सा चाइनीज़ वायलेट, बहुत ही प्यारी इसकी कटिंग मैंने कल लगाई आप लोगों के साथ शेयर करी थी, तो इन्हें भी आप लगा सकते हो कटिंग के थ्रू, एक छोटी इंच की कटिंग, देखिए जैसे नोड है यहाँ के तोड़ के लगा देंगे तो आपके पास ढेरों प्लांट बन जाएंगे। तो ये फ़िलहाल अभी नहीं दे रही मैं किसी को, क्योंकि मैंने खुद किसी से मांगा है
गार्डन में ऐड किया है। अगर आप लोगों को लगाना है कटिंग तो मेरे को बता देना, मैं कटिंग तैयार करके आप लोगों के लिए तैयार कर सकती हूँ। बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब 2-3 महीने लग सकते हैं। ये चाइनीज़ वायलेट है दोस्तों, छोटी सी कटिंग, सिंपल सी मैंने तैयार करके पौधे बनाए हुए हैं। नेक्स्ट दोस्तों ये हमारा स्पाइडर प्लांट से, और ये भी मैंने सिंपल सी छोटी कटिंग से रेडी किया है। देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और अगर आप सबको ये प्लांट चाहिए तो मेरे से बताइएगा, मैं दे सकती हूँ। बट अभी ना एक ही है और भी तैयार करके अलग, वो हैंगिंग बास्केट में मैंने लगाई है, अपने फ्रेंड्स के लिए मैंने तैयार किया है। तो अगर किसी को चाहिए तो बताना, मैं उनके लिए भी कटिंग रेडी कर दूँगी। वैसे इजी टू ग्रो प्लांट, ज़्यादा इनकी केयर भी नहीं मांग करनी पड़ती है, बस आप पानी दे दीजिएगा, छांव में लगाइएगा, 100% आपकी कटिंग ग्रो कर जाएगी। ये हमारा ना अल्ट्रा नेंत्रा का प्लांट है, इसमें इस तरीके से कलर वाले पत्तियां आते हैं। अभी ना इसमें कलर आना शुरू हुआ, शायद ये इनका जो सीज़न होता है विंटर का होता है, और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं मुझे ये। तो मैं इनका कलर देखकर ही लाई थी, देख सकते किस तरीके से कलर चेंज हो रहे हैं। और जब ज़्यादा ठंड होने लगती है ना तो इनकी एकदम पिंक कलर की पत्तियाँ हो जाती हैं। तो अगर आप लोगों को ये प्लांट चाहिए तो बताना, मैं कटिंग से फिलहाल तैयार करके ही रखी हूँ, मैं दे सकती हूँ। तो इनकी ना इसमें एरियल रूट्स बनते रहते हैं, ये भी कटिंग कहीं गिर जाती है ना तो अपने आप ढेरों सारे प्लांट बना ही लेते हैं। तो अगर इस तरीके के प्लांट आप सबको पसंद हैं तो मेरे से ले सकते हैं फ्री में। डिलीवरी चार्ज यानी कि शिपिंग चार्ज दोस्तों आप सबको देना पड़ेगा, क्योंकि वो तो चीज़ मैं अपनी जेब से नहीं कर सकती ना। आप लोग को चाहिए प्लांट इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, तो इसे भी आप लोग मेरे से ले सकते हैं कटिंग से इजली। सिंपल सी एक छोटी सी 1 इंच की भी कटिंग ना लग जाती है। सो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कुछ ऐसे ही सिंपल से प्लांट, जिनकी 1 इंच या 2 इंच की कटिंग ना बहुत ही आसानी से आप लोग ग्रो कर सकते हैं, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी टाइम वेस्ट किए। और ये अगर कटिंग मैंने जो आप लोगों को चाहिए वो मैंने फ़िलहाल बता दिया है कि कौन कौन से प्लांट मैं आपको दे सकती हूँ। और अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करिएगा, डीएम का ऑप्शन नहीं आता है तो आप मेरी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका मैसेज देखकर रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो ये है सिंपल सी वैरायटी जो कि आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब इस तरीके की वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो, नए प्लांट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी गार्डनिंग।